दर्द की शिद्दत इतनी थी, मैं सोचता था लोगों को चलते हुए देखकर कि मैं भी ऐसा चल पाऊंगा या नहीं। दो तीन सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी तकलीफ बहुत होती थी। बिल्डिंग उतरना मसला था मेरे लिए, चलना मसला था, बैठकर जब खड़ा होता तो खड़ा होने के लिए तकलीफ होती थी। तो ये वो गोलियां हैं जी। जी, पहली बार हम अपने दर्शकों को, कोई पेशेंट जिसको जोड़ों में दर्द, घुटनों में शदीद दर्द की परेशानी थी, उन्होंने गोंसिया लिया। गोंसिया की गोलियां बनाकर पिछले 4 महीने से आप खा रहे हैं, 5 महीने से खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो शदीद तकलीफ थी घुटनों में आपके, वो खत्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं, अब ये कुछ नहीं है। आराम पैदल भी जाता हूँ, कुछ लाने भी जाता हूँ कभी। ये सब कमाल है, इन गोलियों का कमाल है। ये गोंसिया जैसा आपने बताया कि पानी में डुबो के आप उसको गोलियां बना लेते हैं सुबह के, एक एक ग्राम की, और ये गोली की शक्ल में खाते हैं। और ये आपने 4 महीना खाई, 5 महीना खाई तकरीबन, ये गोलियां रोजाना घुटनों के दर्द के लिए। और बिल्कुल नहीं चला जाता था, नीचे नहीं बैठ के उठ सकते थे, सकता था बल्कि पलंग पे से आराम करके जब मैं उठता था तो उठने में भी तकलीफ होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का फजल है, चल फिर सकता हूँ आराम से बगैर किसी तकलीफ के। ये गोलियाँ गोंसिया की गोलियाँ हैं हकीम सुलेमान खान साहब। जी जी, चल फिर नहीं सकते थे उस्मान अली साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी ये परेशानी खत्म हुई। स्कूल पैदल आप खुद जाते हैं, बैठ के उठ गए, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी चने बराबर गोल सी चीज कोई मामूली चीज नहीं है, आपके और आपके माता पिता के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इतना बड़ा बदलाव कि आपके बेरंग जीवन को रंगों से भर सकती है। आपके अंदर पैदा हो रही मायूसी और नाउम्मीदी भरा जीवन व्यतीत करने की सोच को खत्म कर सकती है। हम आपको सपना नहीं दिखा रहे हैं, परंतु एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने इसका इस्तेमाल करके अंधकार से रोशनी को पाया है। 34 साल से यूएई के शारजा में रह रहे 55 साल के मोहम्मद उस्मान घुटनों के असहनीय दर्द से इतने परेशान थे कि 5 महीने पहले तक इनका चलना फिरना तो दूर की बात, ये लेटकर उठ भी नहीं पाते थे और ना ही बैठकर उठ पा रहे थे। क्योंकि हमें खुद भी विश्वास करना है और आपको भी विश्वास दिलाना है, इसलिए हम हकीम सुलेमान खान जी के यूनानी नुस्खे अपनाकर जो व्यक्ति स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाए हैं, उन्हीं की सच्ची कहानी देखने हम उन्हीं से मिलने जाते हैं। भारत के हैदराबाद से टीचर की नौकरी करने शारजा गए मोहम्मद उस्मान अली हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं, इसलिए हम भी हकीम साहब का वो नुस्खा देखने शारजा पहुंचे जिसे इन्होंने खुद बनाकर 5 महीने इस्तेमाल किया और घुटनों के असहनीय दर्द से राहत पाई। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो गोल सी चीज क्या है और किस तरह मोहम्मद उस्मान जी ने उसे बनाकर उसका सेवन किया जिसने 5 महीने में एक व्यक्ति को नया जीवन दे डाला। अच्छा, ये गोली बनाई कैसे आपने, एक बार दिखाएंगे हम बना के। सॉरी, इसमें गोंसिया का पाउडर है, आखिरी उसमें है थोड़ा सा है। ये भी देखिए, ये गोंसिया जो आता है सॉलिड फॉर्म में आता है, ये आपने पाउडर इसको बनाया है। इमाम दस्ता भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यानी आप इसमें बनाते हैं, पहले कूटते हैं फिर मिक्सर ग्राइंडर में। इसकी बन जाएंगी गोलियाँ थोड़ी सी। गोली बनाने का तरीका आपको दिखा रहे हैं और पानी डाल के इस तरह जी, तो इस तरह आराम से जो है ना इसको मिला के इसकी फिर गोली आराम से बना सकते हैं। उस्मान साहब, इसका स्वाद कैसा लगता है आपको, क्या ये जीभ पे चिपकता भी है? नहीं, गोली बनाने की सूरत में तो नहीं चिपकता, वो निगल के पानी पी लेता हूँ मैं। अलबत्ता अगर ऐसे ही चखेंगे या जुबान पे लगेगा तो कड़वा होता है बहुत। कि पहली बार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अगर आपको घर पे गोंसिया का पाउडर बनाकर गोली बनानी है तो ऐसे आप बना सकते हैं जैसे उस्मान साहब बना के दिखा रहे हैं, जैसे इन्होंने खुद इस्तेमाल की बनाकर। हाँ, गोलियां बनाकर रोजाना खाई, एक एक ग्राम की गोली 4 से 5 महीने खाई और घुटनों की जो इनकी तकलीफ थी, जो दर्द था और चला नहीं जाता था, वो 5 महीने में इन्होंने, वैसे तो इनको आराम कुछ पहले से पता चला होगा, आराम था। चीज बहुत अच्छी है, इसका इस्तेमाल
करके जो है ना उस तकलीफ को दूर किया जा सकता है। वैसे रिजवान जी, कई दर्शकों के मन में ये सवाल रहता है कि पाउडर कैसे बनाया जाए, गोलियां कैसे बनाए जाए। आज उस्मान साहब खुद ही हमें बनाते दिखा रहे हैं और दर्शक भी देख रहे होंगे। देखिए बहुत आसानी से इसका एक गोली बन जाएगी, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको बनानी है। ये पूरा तरीका आपको उस्मान साहब बता रहे हैं। तो अगर आप भी गौनसे का सेवन करना चाहते हैं गोलियां बना के, क्योंकि जब हकीम साहब कहते हैं कि बेहद कड़वा होता है या फिर जीभ पे चिपक जाता है, तो ये आसान तरीका है और आप आसानी से इसका सेवन फिर कर सकते हैं। तरह मैं जो है ना इसको जो है ना छोटी छोटी गोली बना के रखता हूँ। अब इस तरह बना के रख के इस तरह बना के रख के दर्शकों देखिए उस्मान साहब ने कितने आराम से गोलियां बना दी हैं। तो ये गोलियां बन चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा सा बड़ी बन गई हो जी, इसको हम गोलियां बड़ी आसानी से आपने बना ली हैं। हाँ जी जी, तो अपने ये थोड़ी बड़ी बन गई है, यानी ये तकरीबन 2 ग्राम की है और 1 ग्राम आप आराम से वो कर ले सकते हैं सुबह। ये शैलजा देखिए, पहली बार हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कोई पेशेंट, कोई मरीज जिसको जोड़ों में दर्द, घुटनों में शदीद दर्द की परेशानी थी सालों से, उन्होंने गोंसिया लिया, इस तरह पाउडर बनाया। और जैसा कि हकीम साहब बताते हैं कि चाहे आप गोली बना सकते हैं, गोली नहीं भी बनानी है तो आप इच्छुक की पाउडर पानी में डाल के, दूध में डाल के ले सकते हैं। लेकिन ये उस्मान साहब का तरीका है कि इन्होंने आपको बता दिया कि कैसे आपको गोली बनानी है, तो आप बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इसमें डाल दीजिए और ये गोंसिया की गोलियां बनाकर अपने पास रखते हैं। पिछले 4 महीने से आप खा रहे हैं, 5 महीने से खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो शदीद तकलीफ थी घुटनों में आपके, वो खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ नहीं जी। अब हम आपको थोड़ा सा शैलजा, हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं ये गोंसिया की गोली जो है ये बनाई है। टेबल में इधर करता हूँ, मैं चाहता हूँ माफी के साथ कि आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसे आपको बैठने में जमीन में परेशानी थी और खड़े होने में बहुत ज्यादा दर्द। अब ऐसा उठने में जो है ना बड़ी तकलीफ होती थी घुटनों में, अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, चलने में भी कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। नीचे जमीन से बैठ के उठ नहीं पाते थे? हाँ, वो भी उठना बड़ा मसला। अब बैठ के उठ सकते हैं? अब उठ सकता हूँ, लेकिन तकलीफ पहले थी अब नहीं है। वो दिखा सकते हैं हमें बैठ के? अच्छा, तो माफी के साथ हम आपको परेशान कर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, पहले जो है ना बैठ जाइए, तकलीफ होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों में तकलीफ नहीं है। बैठिए, तो किस तरफ दर्द था आपके घुटनों में? घुटनों में था ये पूरा? हाँ जी, घुटनों में था ये, खासकर इसमें ज्यादा था जी, इसमें कम था, लेकिन ये घुटने में कम ज्यादा था। और डॉक्टर से इलाज करवाया आपने? इलाज तो बहुत करवाया, लेकिन वो इलाज वक्ती तौर पर कम होता, फिर जो है ना तकलीफ। अच्छा, कभी ख्याल तो नहीं आया कि दर्द खत्म हो भी पाएगा या नहीं? हाँ, या ऑपरेशन की बात ना कह दे डॉक्टर। मैं यही सोचता था कि जो है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लोगों चलते हुए देख के सोचता था मैं भी चल पाऊंगा या नहीं, हालांकि चलते फिरते सब कुछ गुजारे जिंदगी, लेकिन तकलीफ दर्द की ऐसी शिद्दत की थी कि ऐसा महसूस होता था। तो ये दर्शकों आपने देखा गोलियां हैं गोंसिया की, 5 महीने में इनकी तकलीफ पूरी ठीक हो गई, चल भी सकते हैं। स्कूल आप जाते हैं यहाँ से कितनी दूर, कितने मीटर होगा आपका स्कूल? यही है सामने नीचे, 100 मीटर? हाँ, 200 मीटर, 100-200 मीटर। तो मतलब इतना जाना भी पैदल आपके लिए मुश्किल होने लगा था? मुश्किल है, मैं यहाँ से जो है ना बिल्डिंग उतरना मसला था मेरे लिए। अच्छा, चलना मसला था, बैठकर जब चल उठता खड़ा होता तो खड़ा होने के लिए तो तकलीफ होती थी। अब ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा जैसे आप पैदल जाते हैं स्कूल? पैदल भी जाता हूँ, कुछ लाने भी जाता हूँ कभी जी। तो ये सब कमाल है, इन गोलियों का कमाल है। उस्मान साहब 60 साल की उम्र में, दर्शक भी देख रहे हैं शैलजा जी, कि 50-55 साल की उम्र में जब घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द बढ़ता है तो वो बढ़ता ही है, फिर ठीक नहीं होता। आदमी अपने घर बार का जो काम है वो नहीं कर पाता,
औरतों के साथ, बच्चों के साथ अपने नहीं खेल पाता है, बाहर नहीं जा पाता, घूमने फिरने कहीं नहीं जा पाता है, कहीं का नहीं रह जाता है सिवाय बिस्तर के। बिस्तर पे से उठना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होने लगता है, जैसा कि उस्मान साहब के लिए हो गया था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र में नौकरी भी कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन 5 महीने में इनको इतना फायदा हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप सारे काम करते हैं अकेले रह के। बिल्कुल। तो उस्मान साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपसे मिलने का हमें मौका मिला, और ये जानने का भी कि कितना फ़ायदा हकीम साहब की यूनानी ट्रीटमेंट का उठा रहे हैं, और आप और लोगों की भी लगातार खिदमत कर रहे हैं, एक एक बात आप हकीम साहब की फॉलो कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की भी आप मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हकीम साहब के परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शकों देखिए, उस्मान साहब ने बिना किसी पर निर्भर हुए खुद अपने आप अपना ट्रीटमेंट किया, वो भी घर बैठे बैठे, कहीं जाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ उन्होंने जानकारी ली कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर हो सकता है। रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद रह सकते हैं, अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। अगर आपको हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से फायदा, नुस्खों से फायदा, तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं, हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।